हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 10th दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। टर्म फैक्टर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। You have learned about the algebraic expression. Algebraic expression contain terms, factor and coefficients. Let's try to understand these. तो बेटा देखो क्या कहा गया है कि किस तरह से हम जो algebraic expression है उसको किस तरह से express करते हैं उसके बारे में बताया गया है। Algebraic expression has one more many terms. तो algebraic जो expression होता है उसके अंदर जो उसकी terms होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा होती है। Terms are separately by plus minus इन द एक्सप्रेशन। इनको किससे अलग किया जाता है? प्लस और माइनस के थ्रू इसे अलग किया जाता है। अभी हम यहाँ समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा बेटा। टर्म्स कैन हैव वन और मैनी फैक्टर। उसके कई फैक्टर हो सकते हैं। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। तो जो एनी फैक्टर, जो भी फैक्टर, उसे हम क्या कहेंगे? कॉफिशियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। रिमेनिंग फैक्टर का क्या कहेंगे? कॉफिशियंट्स कहेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो क्या कहा गया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? सबसे पहले टर्म्स होंगे, टर्म को डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर बनेंगे, और जो फैक्टर में हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, फैक्टर या तो होगा वेरिएबल और होगा कॉन्स्टेंट। तो देखो कल हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में देखा था। जब इनको मिला देंगे तो फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर से टर्म्स बनेंगी और उसके बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें टर्म्स दी गई हैं, उन्हें हमें क्या करना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाना है। तो देखिए बहुत ईजी है, बस इसको समझना है। जो अभी हमने रीड किया है उसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनेगा? 5xy + 7zx +8lk - 10। तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हमें टर्म्स दी गई हैं उस पर प्लस और माइनस को लगाकर हम क्या बना सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का। अब हम देखते हैं बी का। देखो अब तो आप ही कर सकते हैं, 8mn प्लस 7ab माइनस, क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखो जहाँ माइनस दिया है वहाँ माइनस को लगाएंगे, 6gf एंड -5। तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं सी। सी में देखो -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh एंड प्लस 6x। तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, बस हमने कुछ नहीं किया, जिसके आगे प्लस है उसको प्लस लगा दिया, जिसमें माइनस लिखा है हमने माइनस लगा दिया। जो टर्म्स दी जाती हैं उसके बाद में प्लस माइनस जो दिया जाता है उसको लगा के हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें दिया गया है, इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्व करेंगे किस तरह से बनाया गया है। तो फर्स्ट हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं, ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 4xy। तो इसके हम फैक्टर देखते हैं कैसे होगा। देखो फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट हम 4 के फैक्टर निकालेंगे। 4 के फैक्टर कौन कौन से टेबल में आता है? 1, 2 और 4। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। इसके अलावा देखो xy, तो x और y भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। फर्स्ट हमने फैक्टर निकाल दिया। अब हम इसमें देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल कौन सा है। तो कांस्टेंट क्या है? इसके अंदर 4 कांस्टेंट है ना, जो इसका मेन टर्म्स थी उसके अंदर क्या है? कांस्टेंट क्या है? 4 है। और इसके अंदर वेरिएबल क्या हो जाएगा? xy इसका वेरिएबल हो जाएगा, जिसको क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टर्म। देखो सेकंड टर्म क्या है? -5x। तो -5x, इसमें इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे? -5, 1 एंड x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके अंदर से कांस्टेंट क्या है? -5 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और x क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? वेरिएबल, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट में +6। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? +6। तो थर्ड टर्म क्या है? +6। अब इसके जो थर्ड टर्म में, इसमें जो फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6, ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। और इसके अंदर कांस्टेंट क्या होगा? 6, 6 इसका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट हम इस नंबर से ही निकालेंगे, यहाँ से फैक्टर में से नहीं निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? जो फर्स्ट टर्म दी गई है, जो टर्म्स दी गई है उसमें से निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोफिशिएंट्स किस तरह से निकाला गया। देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 4xy। यहाँ पे देखो 4x, एक सेकेंड, 4xy। ठीक है, अब देखो फैक्टर क्या बना? 4xy। 4xy का फैक्टर क्या बने? 4xy। एक बार हम ये समझते हैं, 1, 2, 4y भी है बट हम 4xy समझते हैं। तो अब हम 4xy किस किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर हम 4 को xy से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा फैक्टर निकल सकता है 4xy। ठीक है, सेकंड अगर हम x को 4 और y से मल्टीप्लाई कर दें, देखो सेम है सब चीज़ें। एक बार यहाँ से देखते हैं कि हमें 4x निकालना है, 4xy निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि हम 4 को क्या कर दें? x
और y से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सेकंड हम x को किससे कर दें, 4y से मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड हम y को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4x से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये क्या हो जाएंगे, देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, xy से, xy को किससे मल्टीप्लाई, या हम xy को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से इसको कोएफिशिएंट्स निकाले जाते हैं। देखो यहाँ पे 5x का दिया है, आप 5x का निकालिए बिना उसमें से देखकर। देखो 5x है ना, तो 5x को हम 5 को मल्टीप्लाई करते सकते हैं x और माइनस 1 से, ठीक है। माइनस 1 को हम 5 और x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को हम किससे कर सकते हैं, माइनस x से कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम क्या कर निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन से, फैक्टराइज द टर्म गिवन बिलो, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए बड़े ध्यान से करना है बेटा इस क्वेश्चन को, एकदम ईजी है बट इसको करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टराइज 12 के फैक्टर, पहले हमें 12 के फैक्टर देखने, उसके बाद जो वेरिएबल्स है उसको देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, उसके बाद में वेरिएबल को देखेंगे। तो देखो 1 किसके नंबर में आता है, 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट। अब x एंड y ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखते 21, 2, 5, 4 में भी आता है ना, तो हम लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। और a और b ये इसके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 एंड 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, और h और g ये इसके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 50 किस में आता है, 1, 2 आगे बताइए, 5, 10 एंड 50, 25 है ना, एक सेकेंड, 25 एंड 50, और x, v और z ये इसकी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 1, 2, 4 इसके अलावा 8 है ना, इसके अलावा और किस में आएगा बेटा, 40, 10 है ना, इसके अलावा 10 के बाद 20, अच्छा 5 में भी आएगा, देखो कुछ कुछ रह जाता है तो तुमका ध्यान रखना, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40, और इसके अलावा क्या हो जाएंगे, m और n इसके वेरिएबल, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने 5th तक कर लिया, ध्यान से इसको समझ के करिए। अब हम करते हैं 6 और 7 के, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 m और n इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं 24 के, देखो 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा x एंड y ये भी इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब 15 का देखते हैं, 1, 3, 5, 15 f, g और h ये सब क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ध्यान से बेटा इनके क्या हो जाएंगे, फैक्टर, बस जिस जिस टेबल में वो नंबर आता है वो नंबर हमें लिखने हैं और फैक्टर लिखने, x, y, z जो दिया हो उसे अलग अलग करना है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बताना है और यहाँ पे वेरिएबल बताना है। तो आइए करते हैं, बहुत ईजी है ये भी करना। तो देखो इसमें कॉन्स्टेंट बताना है, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ जो कॉन्स्टेंट नंबर बस यहाँ से लेते जाओ बेटा, आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 72, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल में क्या है, देखो ए वेरिएबल में क्या निकल गया, ए, एस, डी, ये सारे वेरिएबल हो गए, यहाँ पे एम और एन वेरिएबल हो गए, यहाँ पे पी और क्यू वेरिएबल, यहाँ एफ, जी और एच, ये सब क्या है, वेरिएबल है, यहाँ जे और के, यहाँ पर एक्स, वाई, जेड, ये क्या हो गया, वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या होगा, पी, क्यू और आर, ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा थोड़ा ध्यान से आप करेंगे अपनी वर्कशीट को और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सुने। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।